अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने पीसी के ज़रिए से अपने एंड्रॉयड फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं और एक डाटा केबल के ज़रिए से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं फ्रेंड दूंगा किस तरीके से आपने इन्हें कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि आप इसी केबल के ज़रिए से कनेक्ट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर मिरर गो ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है, आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ के लिए या फिर इसे बाय कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो तमाम की तमाम डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसके बाद एंड में भी एक डाउनलोड बटन का दिया गया, आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से डाउनलोड कर रखा है सब। और इसे इंस्टॉल करने का भी सिंपल तरीका, आप सिंपली इसे इंस्टॉल करेंगे उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। और फ्रेंड यहाँ पर आपने आप इसे स्क्रॉल डाउन करना है या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ से आपको पूछ रहा है, आपसे क्वालिटी पूछ रहा है, आप यहाँ पर अल्ट्रा HD क्वालिटी चाहते हैं या फिर आप फुल HD चाहते हैं। तो मैं फिलहाल HD ही क्लिक करूँगा यार, इतनी क्लिक करके इसे काम चला लेता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा हेयर मूवी गो। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर मुझसे एक्सेस मांग रहा है, मुझसे परमिशन मांग रहा है। तो मैं इसे परमिशन दे देता हूँ, कर देता हूँ अलाउ एक्सेस। जैसे क्लिक करता हूँ उसके बाद मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, वाईफाई और USB। तो मैं फिलहाल आपको USB से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। जैसे USB लगाई इसे कनेक्ट कर लिया है तो एक और फ्रेंड मैं आपको अब एंड्रॉयड स्क्रीन पर करके दिखाता हूँ कि पहले आपको कुछ फीचर्स हैं वो जो एनेबल करने पड़ेंगे आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। तो पहले अब मैं वहाँ से आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ और फिर यहाँ से आपको बताता हूँ। ओके जी, तो फ्रेंड सबसे पहले आपको आना है अपनी सेटिंग्स के अंदर। जैसे आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, आपने स्वाइप करके बिल्कुल नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अबाउट नज़र आ रहा होगा, अबाउट में आपने स्वाइप करना है और एंड में आपको नज़र आ रहा हो बिल्कुल लास्ट में बिल्ड अ नंबर। तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ मुझे बताए फ्रेंड, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मुझे बता रहा है नो नीड यू आर ऑलरेडी डेवलपर। ठीक है, तो मैंने से पहले से इसे यानी कि डेवलपर मेरा बन चुका है। तो आप जैसे 3-4 बार इसके ऊपर टाइप करेंगे आपका वो डेवलपर वाला ऑप्शन भी बन जाएगा। तो मैं पीछे आता हूँ और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा डेवलपर ऑप्शन, यानी ब्रैकेट्स वाला इसका लोगो है। और जैसे आप डेवलपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड जो आपकी USB डिबगिंग होगी ये ऑफ होगी बाय डिफ़ॉल्ट, आपने इसे ऑन कर देना है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा हो USB डिबगिंग, तो यहाँ पर ये आपको ऐसे मिलेगी, आपने इसे ऑन कर देना है। ओके जी, मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ और ये ऑन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, ये ऑन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वेरीफाई USB ऐप वगैरह यहाँ पर भी इसे भी इनेबल कर देना है एहतियातन, वरना वो USB डिबगिंग से भी काम चल जाता है। बस फ्रेंड और कुछ ज़्यादा तब्दीलियाँ आपको नहीं करनी और बस पीछे आ जाते हैं और सिंपली बस यही तरीका कार होता है। उसके बाद आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप गूगल क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं आप, कोई ज़्यादा मसले की बात नहीं है। आपको यहाँ पर ऊपर टाइप करना होगा मिरर गो एंड्रॉयड। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, उस नंबर पर नज़र भी आ रहा है मिरर गो और जो भी इसका नंबर है तो वो भी दिया गया आगे, इसका वर्जन नंबर और एंड्रॉयड दिया गया। आप जैसे क्लिक करेंगे सिंपली इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहाँ जाकर भी इसे डायरेक्ट साइट पर आ सकते हैं फ्रेंड। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं अब आपको करके दिखाता हूँ अपने PC के ऊपर। तो ओके जी फ्रेंड, वहाँ से मैंने जैसे कनेक्ट किया है यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपकी जो डिवाइस होगी वो भी उठा लेगा। ये समसिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आती है ये मेरे पास कनेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये शो कर रहा है। मेरी जो डिवाइस है वो है मोटोरोला, तो मैं मोटोरोला के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये उसे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से मुझे सिक्योरिटी पूछ रहा है भाई, मैंने कहता हूँ ठीक है भाई कर दो इंस्टॉल कर दो सिक्योरिटी को फ्रेंड। तो यहाँ पर मेरे पास एंड्रॉयड के ऊपर भी मांग रहा है, यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऑलवेज फ्रॉम दिस कंप्यूटर और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने उसे अलाउ कर दिया है और फ्रेंड आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है यहाँ पर ये कर रहा है, इसके कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ये कनेक्ट होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। पहली बार पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन उसके बाद ये इजीली कनेक्ट हो जाता है। ठीक, तो मैं यहाँ पर ये मुझसे परमिशन मांग रहा है, मैं इसे परमिशन दे देता हूँ, मैं यहीं पर क्लिक कर देता हूँ चेक इट नाउ। और जैसे क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। और फ्रेंड ये दोनों एट ए टाइम ही काम कर रहे होते हैं। मैं कंप्यूटर से इसकी परमिशन को अलाउ कर देता हूँ और जैसे मैं अलाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली मेरे एंड्रॉयड फ़ोन पर भी अलाउ हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड ये अलाउ हो चुकी है और यहाँ पर आपको होम बटन भी दिया गया, आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको इंटरफेस नज़र आ जाएगा, आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए गए, आप जाकर चेक कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग इंजॉय कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अपने PC के ऊपर।
फ्रेंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, अगर पसंद है जरूर से लाइक करें दोस्तों, लाजमी शेयर करें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है, यहाँ पर रेड कलर का बटन आ रहा होगा आप उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही घंटा भी आ रहा होगा उसे दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जब भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।